की तड़पती हुई गर्मी को देखकर हम आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग हॉल लेकर जहाँ पर हम बहुत सारे अमेजिंग H&M के प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और चुप पड़ाइते रहता है। पहला प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, फटाफट से निकालते इस तरह से पैकेजिंग में आता भाई। H&M का पूरा ना एकदम बटर पेपर में अपना कपड़ा को लपेट कर तड़ा देती है। H&M आपको टैग मिल जाएगा मेड विद सर्कुलोज, नया फैब्रिक पैदा हो गया है कोरोना की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गैस फैब्रिक को एक्सपीरियंस करें ना गाइस, बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना एकदम स्लिपरी जैसा फील हो रहा है भाई। ऐसा लग रहा है कि खरीदने से हाथ से पैसे फिसल के निकल जाएंगे। फिजल इसमें आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, ब्लैक एंड ऑफ व्हाइट, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। साथ ही अगर डिजाइनिंग को देखोगे ना, यहाँ पर बस ऐसे ही आड़े टेढ़े दो साल के बच्चों ने ऐसे चौक लेकर तीर पीर नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पर एग्जैक्टली केथ हेरिंग का आपको आर्ट देखने को मिलेगा। बेसिकली केथ हेरिंग एक आर्टिस्ट है जिनकी ऐसी ना डिजाइन होती है जिसमें लड़के ऐसे ऐसे करके नाच रहे होते, वही लड़के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेबल कॉलर आपको देखने को मिलेगा, शॉर्ट स्लीव मिलेगा, व्हाइट कलर के आपको बटन्स मिल जाएंगे, कहीं भी आपको आलतू फालतू टाइप की ब्रांडिंग नहीं मिलेगी। फ्रंट में आपको एक पॉकेट मिलेगा जिसके ऊपर केथ हेरिंग की ब्रांडिंग की गई है, वो भी एम्ब्रॉयडर्ड है। वही अगर इसके पीछे देखोगे तो आपको कोई तामझाम नहीं मिलता, अंदर में आपको H&M का टैग मिल जाएगा। ये हमने लिया है रेगुलर फिट, केथ हेरिंग का भी ना छोटा सा यहाँ पर आपको टैग मिल जाता है भाई। कॉम्पोजिशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मेड इन MMA 100% वेस्कोस का बना हुआ है। ओवरऑल शर्ट को पहनने में कैसा लग रहा है, सारी चीजें आप पीछे देख लो। डेफिनेटली ये शर्ट ऐसा है ना कि हर जगह आप आराम से कैरी नहीं कर पाओगे, लेकिन जहाँ पर अपना प्रेजेंस आपको फील करवाना है ना, मतलब आपको ऐसा लगाना है ना लोगों को कि मैं घुसूं तो लोग मुझे देखे कि क्या मस्त लग रहा है, उस हिसाब के लिए ना डेफिनेटली ये शर्ट बहुत अच्छा है। पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, कैजुअल गेट टुगेदर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आराम से जा सकते हो। कितना देना है वो देना है भाई, 1999 2000 रुपए, जो कि सही। नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में, एक बहुत ही खूबसूरत टी शर्ट, ब्लैक कलर का पूरा टी शर्ट है, ओवर साइज फिटिंग के साथ आता है। ऑब्वियसली राउंड नेक है, शॉर्ट स्लीव है, 100% कॉटन से बना हुआ पूरा फैब्रिक है। फ्रंट में आपको सेंटर चेस्ट पे ना यहाँ पर आपको टेक्सोग्राफी प्रिंट देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर 4 locals only और उसको रिवर्स करके प्रिंट किया गया, जो कि ठीक ठाक लग रहा है। पीछे की अगर बात करें तो एक बहुत खूबसूरत ना पोर्ट्रेट प्रिंट किया गया है, जहाँ पर आपको पाम ट्रीज देखने को मिलेंगे, स्काइज देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा ना एकदम रेट्रो टाइप की फीलिंग दे रहा है। और प्रिंट की क्वालिटी अगेन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छी होगी। एनीवे कैसा लग रहा है, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग टी शर्ट की तरफ, शर्ट की तरफ वो नहीं पता, चल के देखते हैं। ईश पारो डर गई, देखो ये टी शर्ट जो निकल रहा है ना, अरे तो सब चश्मे पहन लो। हाँ अब ठीक दिख रहा है, आपकी आंखें जल गई ना। और ऐसे यहाँ पर आपको H&M की कोई ब्रांडिंग नहीं मिली, लेकिन भाई इस कलर के साथ रह रहे के ना इसका टैग भी कलरफुल हो गया 4-5। और यहाँ पर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन देखने में अनाप शनाप क्या क्या भाषा में लिखा होता है भाई, एकदम मेरे समझ के हिसाब से ना पूरा भाषा लगता है मुझे। राउंड नहीं देखने को मिलेगा, शॉर्ट स्लीव मिल जाएगा, ये भी एक ओवर साइज बहुत खूबसूरत H&M का टी शर्ट है, जहाँ पर आपको मल्टीपल कलर्स देखने को मिलेंगे। और वो सारे कलर्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मैं हूँ और सिर्फ मैं ही हूँ। ऊपर में ऑरेंज है, बीच में पिंक है, नीचे पर्पल है, मौसमी लगने वाला टी शर्ट है। बीच में आपको यहाँ पर प्रिंट मिल जाएगा, टेक्सोग्राफी जहाँ पर लिखा हुआ है पापी लियाओ, सबसे अच्छा लिख देते पपीता ले आओ, कम से कम थोड़ा आराम तो लगता है। पीछे आपको इसमें कोई और बैक प्रिंट नहीं मिलता, पूरा कॉटन से बना हुआ टी शर्ट है। एक चीज मुझे क्या यूनिक लग रही है ना कि इसकी नेक लाइन जो है ना एक्चुअली बहुत ज्यादा चौड़ी है, और ऐसे नेक लाइन ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि एक तो थोड़ा सा ना गला में अटक सा जाता है, और उसके बाद जो ये हैंग होता है ना बॉडी पे मस्त लगता है। अब कलर की बात करें तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ये कलर बिल्कुल नहीं पसंद आने वाला, बहुत सारे लोग ऐसे टाइप करने वाले स्पीड से जल्दी से नीचे जाते हैं और लिखते हैं भाई छपरी लग रहा है छपरी, लेकिन ओवरऑल बात करें ना एक बहुत डिफरेंट अप्रोच है टी शर्ट के मामले में। आई नो हर कोई नहीं पहन सकता, लेकिन अगर आप वेकेशन में या बीच बीच में जाकर पहनोगे ना मस्त लगोगे, अगर आप कोई आर्टिस्ट हो पहनोगे मस्त लगोगे। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज होती है, और ये मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो इस टी शर्ट के लिए आपको पे करना पड़ेगा 1499 रुपए, जो कि ठीक है, मतलब H&M है, ब्रांडेड इंटरनेशनल कंपनी है, तो उस हिसाब से थोड़ा मोड़ा तो ऐसा रहेगा इनका प्राइस, ज्यादा जैसा तो नहीं है। आगे हमारे पास में जबरदस्त चीज निकाली है H&M ने, जस्ट लुक एट दिस, आपका दिल आ जाने वाला इस प्रोडक्ट पे। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ भाई 50% लीवा इको विस्कोस, अगर फैब्रिक के वेरिएशन देखने जाओगे ना खोपड़ी घूम जाएगा, इतना तरह का फैब्रिक होता है। कलर की बात करें ऑफ व्हाइट कलर आपको देखने को मिलता है। वैसे अगर इस शर्ट की बात करें तो सिंपली आपको देखने में ना ये नॉर्मल शर्ट जैसा नहीं लगेगा, ना ही नॉर्मल है, ये एक पूरा नीटेड शर्ट है, रेगुलर फिट के साथ आता है, H&M की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। लिपल कॉलर इसमें आपको देखने को मिलता है, तो स्टाइलिश तो प्रॉपर हो ही जाता है। क्रीम कलर के आपको इसमें बटन्स भी देखने को मिल जाएंगे। निटिंग की अगर बात करें डेफिनेटली निटिंग है, तो बहुत सारे अलग अलग टेक्सचर्स आराम से क्रिएट किए जा सकते हैं। तो बी रोल के थ्रू आपको एकदम क्लोजली दिख रहा होगा कि कैसे टेक्सचर्स यहाँ पे डिजाइन है, थोड़े से स्ट्रेची हो जाती है फैब्रिक क्योंकि निटिंग है। और अंदर में अगर इसके फैब्रिक की पूरी जानकारी लें तो 50% कॉटन एंड 50% वेस्कोस यहाँ पर डाला गया है, जो नहीं डालना चाहिए वो डाला गया है, मेड इन चाइना। ओवरऑल एक बहुत ज्यादा रिच मटेरियल वाला फैब्रिक है, डेफिनेटली आपको एक रिचर और रिचेस्ट पर्सन जैसा
दिखाएगा जब आप इसे किसी ब्लैक जीन्स के साथ या ब्राउन चीनोस के साथ इसे वेयर करोगे तो खतरनाक चीजें पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। प्राइसिंग की बात करें तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा बट नॉट लाइक अ ज़ारा। 2999 इसके लिए आपको पे करना है, आराम से जा सकते हो अगर आप किसी स्पेशल ओकेजन में ना स्पेशल दिखना चाहते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट आगे हमारे पास में एक बहुत ही सिंपल खूबसूरत सॉलिड कलर का H&M का टी-शर्ट। देखो H&M के जितने भी बेसिक्स है ना बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आपको मिलेगा शॉर्ट सेल मिल जाएगा। प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है 1499, क्वाइट एक्सपेंसिव है लेकिन फिर भी ठीक है भाई, लोग खरीदते हैं। सिंपल आपको कॉलर मिल जाएगा। कलर की बात करें बहुत ज्यादा रिच कलर है। देखो ये सारे जो भी ब्रांड्स है ना, चाहे H&M ले लो या ज़ारा ले लो, जो भी ब्रांड्स है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके कलर पैलेट में ना आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा अदर ब्रांड्स से अगर कंपेयर करोगे तो। सटल कलर्स होते हैं इनके पास, इस कलर को सेज ग्रीन बोलते हैं। हल्के हल्के आपको टेक्सचर देखने को मिल जाएंगे। अगर अंदर के फैब्रिक की बात करें डेफिनेटली कॉटन होने वाला है, 55% लिनन एंड 45% कॉटन यूज हुआ है इसमें, और वो जो टेक्सचर है ना वो लिनन की ही वजह से आ रहे हैं। मेड इन म्यांमार वाला टी शर्ट है, पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ सारी चीजें आप पीछे देख लो, सिंपल है सॉलिड है। गाइज हम इस टी शर्ट का भी बीरोल शूट कर रहे थे, पहन कर ले रहे थे, और एक्चुअल पहनने के बाद ना पता चलता है कि टी शर्ट के अंदर क्या झोल है। पूरे बॉडी में ना ऐसे कांटे चुभ रहे, ऐसा बड़ा ही इरिटेशन टाइप का फील हो रहा है। बाकी आपको पता है इस टी शर्ट का क्या करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम एक और देखने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत शर्ट। इतना ज्यादा पेपर वेस्ट करते हैं ना भाई, जितने में दो चचा की लुंगी लपटा जाएगी भाई, 15 आदमी खाना खा लेगा इसमें। एक और खूबसूरत वेस्कोस शर्ट, फटाफट देख लेते हैं मैं सही हूँ या नहीं। यस 100% वेस्कोस है। टेबल कॉलर आपको देखने मिल जाएगा, शॉर्ट स्लीव मिल जाएगा, व्हाइट कलर का आपको बटन्स देखने को मिल जाएंगे। H&M की ब्रांडिंग तो आपको नहीं देखने को मिलेगी, छोटी छोटी मिलती है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 100% लीवा इको। डिजाइनिंग की बात करें तो डेफिनेटली समर की वीडियो है तो समर ही वाइब वाले ने आपको यहाँ पर पैटर्न देखने को मिलेंगे। फ्लावर्स बनाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, सटल बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड कलर यूज हुए हैं, आंखों में जरा सी भी नहीं चुभते। ऐसे मैं पहन के क्या लग रहा हूँ, क्या चुभ रहा हूँ आपकी आंखों में ना, वो सारी चीजें आप पीछे देख सकते हो। डेफिनेटली अमेजिंग फैब्रिक है, प्राइसिंग है भाई 1299 H&M के हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट आगे हमारे पास में, फटाफट इसमें नजर ना लगे इसलिए काले से एंड कर रहे हैं। एक बहुत ही अमेजिंग नासा का टी शर्ट है, फ्लैश फिटिंग के साथ आता है, राउंड नेक है, शॉर्ट स्लीव है। लेफ्ट चेस्ट पे आपको ये नासा वाली जो ब्रांडिंग मिल रही है ना, ये रबर पैच के थ्रू एड की गई है। नीचे आपको टेक्सोग्राफी प्रिंट मिल जाएगी और ये भी प्रिंट ना हल्की हल्की इम्बोज्ड है। वहीं साइड में एक और नासा की कोई कोड वर्ड लिखी हुई है यहाँ पर जो की खूबसूरत लग रही है। पीछे में आपको एक बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट पे, यूजुअली नॉर्मल टी शर्ट पे ना आपको यहाँ पर प्रिंटिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको एक टेक्स्टोग्राफी प्रिंट मिल जाएगी और एकदम बैक बॉटम पे ना एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग की गई है, यानी जब रात में आप चलोगे ना ये एकदम मस्त ग्लो करने वाला है। और इसमें थोड़ा सा स्पेस एलिमेंट टाइप का ऐड कर देता है टी शर्ट में। लेफ्ट स्लीव पे आपको USA की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अब देखो नासा है, इसरो भी निकल जाना चाहिए, ऐसा लगता है ना भाई कि यहाँ पर भारत का झंडा होता तो ज्यादा मजा आता पहनने में। जो भी है प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन ओवरऑल अगर इसकी डिजाइनिंग की बात करें, चाहे रिफ्लेक्टिव मटेरियल, चाहे पैच या ओवरऑल प्रिंट की बात करें ना, एक बहुत मॉडर्न वे में ना इसे डिजाइन किया गया, एंड डेफिनेटली मस्त टी शर्ट है, मतलब लगता है ना भाई कि हाँ टी शर्ट है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर 1299 यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी गई है, जो कि मैं सुपर डुपर सही बोलूंगा क्योंकि H&M है, इंटरनेशनल ब्रांड है, ये सारी चीजें बातें मैं बार बार बोल चुका। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। वैसे ऐसी अमेजिंग और डील्स ना आप इंटरनेट से ग्रैब कर सकते हो हमारे थ्रू। वीडियो में तो आप देख ही रहे हो, यूट्यूब में देख ही रहे हो, लेकिन भाई हम टेलीग्राम पे भी है, जहाँ पर हम आपको बहुत सारे अमेजिंग इंटरनेट में छुपे छुपे डील्स आपको शेयर करते हैं। स्पैम नहीं करते, परेशान नहीं करते, जाइए आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पेश बूम।